हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहानी गर्ग। ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है मेरे ऊपर? ऐसे ट्राई करते रहते हो, मुझे पता, क्योंकि मेरे बाल यहाँ से हल्के हैं दोनों साइड से, तो ये सब लुक्स मेरे ऊपर नहीं अच्छे लगते हैं। वैसे बाकी आप मुझे कमेंट करना ये वाला लुक्स कैसा लग रहा है। बस नॉर्मली मैंने उठा के अपने बालों को इस साइड रख लिया है, दैट्स इट। ठीक है, हाँ, तो आज का कॉमेंट किया है प्रीति अम्मू ने, और इनका कॉमेंट है, हाय मैम, आई एम न्यू सब्सक्राइबर, योर अपलोड वीडियोज ऑलवेज वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू प्रीति अम्मू, जो मेरी वीडियोज को इतना पसंद करने के लिए, बहुत ज्यादा दिल से थैंक यू। एंड चलिए इनके क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू स्कूल टाइम डबल फोल्डेड प्लेट्स विथ ट्विन रबर हेयर स्टाइल, जो डबल फोल्डेड चोटी होती है ना, वो वाली चोटी। चलिए, तो ये आप लोग पहले कॉमेंट देख पढ़ ही चुकी हैं, समझ ही चुकी हैं, अगर मैंने बोलने में गलती कर दी हो तो। यहाँ पे जो मेंशन हो रहा है नाम, उनको जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे जो समझ में आ रहा है, आप उनके कमेंट देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। मैं जानबूझ के किसी से बुलवा कर कॉमेंट नहीं लिख रही हूँ गाइस, ये सब आप लोगों के दिल से दिए गए कॉमेंट्स हैं। बहुत लोग हैं जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं, तो चलिए पहले स्टेप्स देख लीजिए आप। समझ गए गाइस आप लोग, अच्छे से सारे स्टेप समझ चुके हैं। और बस नॉर्मली ऐसे छोटी, पता है, वैसे मैं कभी स्कूल टाइम में कभी बना के नहीं गई, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, मैं दो छोटी यहाँ से गो के ऐसे गूथ के मैं ऐसे तो गई हूँ, बट ना मैं अपने स्कूल टाइम में ऐसी वाली छोटी कभी बना के नहीं गई हूँ। और मैं वैसे क्या करती हूँ, एक ब्रेड बना लेती हूँ, सिंपल छोटी बना लेती हूँ, और उसके बाद नीचे से उसको फोल्ड करके यहाँ पे ना इधर साइड में गुट्ठा सा इकट्ठा कर लेती हूँ, और उसको रबर कर लेती हूँ, ठीक है, बैंड कर लेती हूँ, और रबर बैंड से अच्छे से क्योर कर लेती हूँ। और लेकिन मैंने ऐसी वाली चोटी कभी जिंदगी में नहीं बनाई है, सच में। और हाँ गाइस, यहाँ पे मेरे से एक गलती हुई है, शायद आप लोगों ने नोट नहीं की हो, गलती है जो स्कूल टाइम में जो हेयर रिबन लगता है, इस वाली चोटी में जो रिबन लगता है वो ये वाला रिबन नहीं होता है, वो चोटी वाला रिबन अलग आता है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, देख लीजिए, मैं ऐसे वाले वालों से बड़ी परेशान हो रही हूँ। मेरे पे नहीं लगते जाते, ठीक है ना, तो ऐसे तो वो रिबन अलग आता है, तो आप लोग वो वाला रिबन परचेस कर लीजिए अगर नहीं है आपके पास तो, ठीक है। और मेरे पास यही वाला रिबन अवेलेबल था, तो मैंने इस वाले रिबन के साथ में हेयर स्टाइल आपको दिखा दिया। पसंद आया हो, अगर आप मेरे मन मुताबिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बता, आप लोगों के मन मुताबिक मैं वीडियो सारी अच्छी शूट कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना और लाइक कर देना, सारे सारे संबंधियों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके जाना, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो से नोटिफाई हो सको। ओके गाइस, चलते नेक्स्ट कॉमेंट कौन सा है जल्दी से मुझे बताओ, ताकि मैं फिर से शूट करना स्टार्ट करूँ। बाय बाय।